हेलो दोस्तों, अभी अभी मैं पंगा मूवी देखकर बाहर आया हूँ थिएटर से। पेट्रोल खत्म हो गया था बाइक में, इसलिए पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों मूवी में कुछ बात है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट लगे, वो मैं सब आपको बताऊंगा। दोस्तों कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाँ पिक्चर यार देखनी जानी चाहिए। कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसे हैं जिसको देखकर लगता है कि जिनके बारे में सुनकर लगता है कि यार हाँ ठीक है, ओके है, पिक्चर ठीक है, नहीं भी देखने जानी चाहिए। इसलिए कुछ पॉजिटिव भी पॉइंट हैं और कुछ नेगेटिव भी पॉइंट हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों अभी मैंने इसके बाद देखनी है स्ट्रीट डांसर 3। उस मूवी के बाद मैं अच्छे से डिटेल से रिव्यू करूंगा कि मूवी कैसी थी। पंगा मूवी का रिव्यू भी करूंगा और स्ट्रीट डांसर 3 का भी रिव्यू घर पे जाकर करूंगा। पर अगर टोटल मिलाकर देखी जाए मूवी ठीक है, बट उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट और कुछ पॉजिटिव पॉइंट दोस्तों वो जानने बहुत ज़रूरी है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपने जाना है या नहीं, वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने जा सकते हो पिक्चर देखने पंगा मूवी या नहीं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि आपको रियल रिव्यू जो मेरा होगा डिटेल के साथ उसमें आपको सभी जानकारी मिल सके पिक्चर के बारे में। तो जितना हो सके मैं बताऊंगा कि पिक्चर देखने जाने चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो। और स्ट्रीट डांसर वाली पिक्चर भी मैं अभी वरुण धवन की देखने वाला हूँ और इसके बाद मैं दोनों का रिव्यू करूंगा, इसलिए अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों अभी टाइम बहुत कम रह गया है क्योंकि पिक्चर होने वाली है स्टार्ट, तो फिर मैं बाद में फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। टेक केयर।